ऑब्वियसली नर्वसनेस था जब स्टार्ट में गया क्योंकि टेस्ट डेब्यू था, बट जब मैं 5-10 ओवर्स खेल के निकाला उनका, तब मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आया। जब बैट पे अच्छे लग रहे थे, बाउंड्रीज आ रहे थे, और यू नो एक ऐसा लगा नहीं कि यू नो मुझे नहीं फील हो रहा था कि यू नो प्रेशर आ रहा है वापस मेरे पास। ट्राई कर रहा था जितना डोमिनेट कर सकूँ, जैसे मैं यू नो मेरे को पसंद है बॉलर्स को यू नो डोमिनेट करना, तो वही ट्राई कर रहा था। और वेट कर रहा था लूज बॉल्स के लिए, क्योंकि यू नो वो लोग डाल रहे थे बाउंड्रीज बॉल, सो आई थिंक वही काफ़ी बैलेंस कर रहा था। अगर अच्छा बॉल आया तो उसको मेरिट पे खेल रहा था, या फिर लूज बॉल आया तो उसको रन से। मैं मैच बाय मैच जा रहा था, ऐसे नहीं सोच रहा था कि वर्ल्ड कप खेलने के बाद मुझे कब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना है। जो भी मैच मेरे सामने आ रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, और ट्राई कर रहा था जितना टीम जीत सके, चाहे वो इंडिया ए हो, चाहे रणजी ट्रॉफी, चाहे IPL हो। सो वो एक माइंड में था, बट हम ऑब्वियसली ये 100 मैं डैड को यू नो देना चाहूँगा, बिकॉज काफ़ी सैक्रीफाइसेस किया उन्होंने मेरे लिए यू नो लाइफ में, अभी भी करते हैं काफ़ी, और यू नो हमेशा मेरा हेल्प किया है। जब भी मैं नर्वस रहता हूँ, जब भी मैं यू नो जल्दी आउट होके आता हूँ, या फिर यू नो काफ़ी चीज़ें लाइक अभी सब बता नहीं सकता, बट काफ़ी चीज़ों में उन्होंने हेल्प किया आई थिंक। सो ये 100 उनको डेडिकेट। You know, obviously, I think we could have probably started the day a little bit better. Having said that, Prithvi played really well early on. We probably didn't execute as well as we would have liked on the plans, but we dragged the day back very well, and I was very, very happy on how we stuck to our guns all day long. You know, for Shannon to come back, having bowled 18 overs through the day in that heat and still be bowling 145 k's an hour, I think is a huge credit to the hard work that he's done on his fitness. To say we're happy with the day, we're probably satisfied with the day, but we've still got a lot of hard work to do.